हेलो स्टूडेंट, एस्टीमेट की आज क्लास में हम बात करेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप का किया जाने वाला वुड वर्क हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। मतलब ये है कि अलग अलग पर्पज के लिए किया जाने वाला लकड़ी के कार्य को हम किस यूनिट में मेजर करेंगे, इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तथा इसके बारे में हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप का जो हम स्टोन मेजरमेंट करते हैं, यानी पत्थरों से जो चिनाई करते हैं, उसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, इस लेक्चर में हम समझेंगे। साथ में इन टॉपिक को समझने के लिए हमने यहाँ पर डायग्राम भी बनाए हुए हैं, तो जरूरत पड़ने पर उस डायग्राम की मदद लेकर हम उसको क्लियरिटी के साथ समझेंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट। इसमें हम बात करेंगे कि पहले कि वुडवर्क जो अलग अलग पर्पज के लिए किया जा रहा है, उसे हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। तो अगर हम लकड़ी के कार्य की बात करें तो वुडवर्क्स में हम वुडवर्क को हम क्या करते हैं, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, उसे हम स्क्वायर मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, और तीसरा हमारा कि वुडवर्क्स को हम नंबर्स में भी मेजर कर सकते हैं। तो कब करेंगे मीटर क्यूब मेजर, तो देखें कि अगर हम कर रहे हैं लकड़ी का कार्य, अगर हम डोर्स एंड विंडो में अगर हम चौखट की बात करें, यानी हम फ्रेम की अगर हम बात करें, तो उसका मेजरमेंट हम करते हैं मीटर क्यूब में। तो आप कहेंगे किस तरीके का है, देखें तो जरा एक डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मीटर क्यूब में जो वुड वर्क हम कर रहे हैं, तो लकड़ी के कार्य को अगर मीटर क्यूब में मेजर कब करेंगे, जब हम डोर्स एंड विंडो के फ्रेम या चौखट की बात करें। फ्रेम या चौखट हमारा कहाँ पर है, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में ये जो रेड कलर का आपको पोर्शन नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं, ये जो रेड कलर का आपका पोर्शन है, इसे हम कहते हैं हेड। क्या कहते हैं इसको, हेड। तो जो इस हेड का जो हम मेजरमेंट करेंगे, ये हेड क्या है, ये पूरा डायग्राम हमारा चौखट का है। तो इस हेड का जो मेजरमेंट होगा वो किसमें होगा, मीटर क्यूब में हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। आगे बात करें जो ब्लू कलर के दो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पार्ट, इन पार्टों को हम कहते हैं पोस्ट। क्या कहते हैं, पोस्ट। तो इस पूरी चौखट में, यानी इस पूरे फ्रेम में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक हेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा ये पोस्ट है, और तीसरा ये भी हमारा क्या है, पोस्ट है। तो इनका जो मेजरमेंट हम करते हैं, इनका जो मेजरमेंट करेंगे है लकड़ी का कार्य ही, लेकिन इसको जो मेजरमेंट करेंगे हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। साथ में जो ब्लैक कलर की मैंने जो डॉटेड लाइन लगाई दिखाई दी यहाँ पर, ये क्या हमारा रिबेट है, यानी एक तरीके का हमारा खांचा होता है, जिसमें दरवाजे को अगर हम बंद करते हैं, ये हमारा दरवाजे का पल्ला है, जिसे हम कहते हैं शटर कह सकते हैं, आप लीव कह सकते हैं। तो जब दरवाजे को हम खोलते हैं या बंद करते हैं, तो वो हमारा आखिर में जाकर लकड़ी में जब सेट होता है, यानी चौखट में जब सेट होता है, तो इसी रिबेट में वो सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए मैंने बताया कि अगर हम डोर्स एंड विंडो की अगर फ्रेम की बात करें, तो फ्रेम या चौखट की बात करें, तो इसका जो मेजरमेंट करेंगे हम किसमें करेंगे, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। अब बात आती है कि राफ्टर बीम की बात करें, तो राफ्टर बीम हमारे कहां होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा ट्रस, पढ़ा होगा ट्रस, मतलब जो हमारी कैची होती है ट्रस, वुडन ट्रस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लकड़ी वाले ट्रस की। जैसे कि हम बात करें किंग पोस्ट के बारे में बात करें, क्यून पोस्ट के बारे में बात करें, तो उसमें आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के हमारे बीम्स होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट हमारा है टाई बीम। क्या है ये हमारा टाई बीम है। दूसरा ये वाला जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, क्या है हमारा प्रिंसिपल राफ्टर, में यहाँ पर पी लिख दे रहा हूँ, पी आर का मतलब है प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है। दूसरा जो ब्लू कलर का आप पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉमन राफ्टर है। ये क्या हमारा सी आर का मतलब है कॉमन राफ्टर। तो देखिए, तो प्रिंसिपल राफ्टर या कॉमन राफ्टर का जो मेजरमेंट करेंगे, वो हम किसमें करते हैं, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, किसमें, किसी भी ट्रस के अंदर। ये रेड कलर का पार्ट क्या है हमारा, रिज है, ठीक है। दूसरा ये हमारा कॉमन राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर, ये हमारे टाई बीम है। अब बीच में इसके अगर कोई पार्ट होंगे, जैसे क्यून पोस्ट है या किंग पोस्ट है, तो डिफरेंट टाइप के ट्रस के अनुसार इसके यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें किंग पोस्ट या क्यून पोस्ट या फिर स्ट्रट के बारे में, खैर तो ये जो हमारे पार्ट है, ये हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट की। तो लकड़ी का कार्य अगर हम मेजर कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल राफ्टर या कॉमन राफ्टर में जो हम मेजरमेंट करेंगे, वो हम किस में करेंगे, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो ये राफ्टर बीम का मतलब है कि प्रिंसिपल राफ्टर या कॉमन राफ्टर बीम को अगर हम मेजर करेंगे, तो किस में करेंगे, मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। रूफ ट्रस की बात कर रहे हैं, रूफ ट्रस में यहाँ पर एक कॉमन बात बोल दी गई कि जो जनरली हमारे रूफ ट्रस है, उनमें जो मेजरमेंट होगा लकड़ी के कार्य का, वो जनरली हम किसमें करते हैं, मीटर क्यूब में ही करते हैं। अब बात करते हैं लकड़ी का कार्य अगर हम स्क्वायर मीटर में मेजर हम कब कब करेंगे, यानी कौन से कार्यों के लिए लकड़ी का वुड वर्क्स जो है वो हमारा स्क्वायर मीटर में मेजर होगा। पहला देखें यहाँ पर, अगर हम डोर्स एंड विंडो की ही बात करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये तो हमने समझ लिया क्या हमारा फ्रेम या चौखट था, ठीक है। तो फ्रेम या चौखट को हमने, ये हमारे क्या है, चौखट है, ठीक है ना। तो इस फ्रेम या चौखट को तो हमने मेजर कर लिया, इसके डिफरेंट पार्ट्स को हमने मीटर क्यूब में। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने क्या बनाया हुआ है, एक पल्ला बनाया हुआ है, एक शटर बनाया हुआ है, ठीक है ना।
तो ये जो दरवाजे का हमारा शटर या विंडो का भी हो सकता है कुछ इस तरीके का बनेगा, लेकिन वो थोड़ा अलग होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर जो दिखाया हुआ है डोर का एक फ्रेम दिखाया हुआ है, डोर का एक मैंने यहाँ पर एक लीफ दिखाई हुई है, शटर दिखाया हुआ है। अब ये जो डोर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये है हमारा पार्शियली पैनल्ड एंड ग्लेज डोर। क्यों बनाया है इसको देखें, इसको जो हम मेजरमेंट करेंगे यानी जो दरवाजे के पल्ले होते हैं इसको हम मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। तो स्क्वायर मीटर मेजर करेंगे तो इसके डिफरेंट पार्ट्स को लेकर भी क्वेश्चंस पूछता है, यानी कि ड्राइंग से सवाल आ जाते हैं आजकल कंपटीशन में। तो ये जितने भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप थ्योरी जो भी स्टूडेंट अगर थ्योरी के एग्जाम देते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के यूनिट से सवाल ज्यादातर पूछता है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये हमारी यहाँ पर आपको शटर दिखाई दे रहा है, शटर के पहले डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखें यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हैंगिंग स्टाइल। क्या कहते हैं इसको? इसे हम कहते हैं हैंगिंग स्टाइल, ठीक है ना। हैंगिंग स्टाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टाइल जो हमारी है ये हमारी क्या होती है, दरवाजे में चौखट के इस पोस्ट के साथ हिंज के द्वारा लगी होती है, इसीलिए इसको बोला गया हैंगिंग स्टाइल। तो एक हैंगिंग स्टाइल इधर है, एक हैंगिंग स्टाइल इधर है, तो मैं एक पार्ट को बता रहा हूं, जैसा इधर होगा वैसे ही लेफ्ट में भी होगा। दूसरा देख रहे हैं कि यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको हम कहते हैं मीटिंग स्टाइल। अब आप कहेंगे मीटिंग स्टाइल क्यों कहते हैं? तो मीटिंग स्टाइल का मतलब है कि जब दोनों पल्ले हमारे होते हैं, दोनों पल्ले दरवाजे के दो पल्ले हैं इसमें, एक ये वाला इसको खोलेंगे तो ये दोनों इस तरह से खुल जाएंगे, जब मीट करेंगे तो आपस में इस तरह से मीट करेंगे, तो इस वाली जो लकड़ी को ये जो आप दिखाई दे रही है ये वाली जो लकड़ी है कहलाती है हमारी मीटिंग स्टाइल, राइट। अब देख रहे हैं यहां पर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये तो हो गया वर्टिकल वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाला पार्ट बात करें, इसकी बात करें तो ये हमारी होती है टॉप रेल। इसे क्या कहते हैं? टॉप रेल होती है। तो आपसे पूछेगा कि दरवाजे में सबसे ऊपर जो हमारी रेल होती है लकड़ी का टुकड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? टॉप रेल कहते हैं। दूसरा यहां पर जो पार्ट दिखाई दे रहा है बीच में ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं लॉक रेल। लॉक रेल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि हम जो दरवाजे में लॉक लगाते हैं वो इसी रेल के थ्रू हम लगाते हैं। लास्ट में जो दरवाजे के अंदर बॉटम में जो रेल होती है उसे हम कहते हैं बॉटम रेल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कंपटीशन में कि बताइए कि किसी भी दरवाजे की सबसे ज्यादा चौड़ाई हमारी किस रेल की होगी, तो आंसर होता है हमारा बॉटम रेल, सबसे ज्यादा बड़ी होती है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बताएं तो टॉप रेल का साइज अगर 10x4 है तो इसका 15x4 होगा, इसका 20x4 होगा, मतलब कि जो टॉप रेल है टॉप रेल से ज्यादा चौड़ी होती है हमारी बॉटम रेल, सॉरी लॉक रेल, और लॉक रेल से ज्यादा चौड़ी होती है हमारी बॉटम रेल। अब देखिए हमने सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए, मीटिंग स्टाइल हो गई, हैंगिंग स्टाइल हो गई, ये लॉक रेल हो गया, ये बॉटम रेल हो गया, ये टॉप रेल हो गया। अब बात करें बीच में, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो मैंने शीशा लगाया हुआ है, शीशा हमारा क्या है? ग्लेज को दर्शा रहा है। क्या ग्लेज? ग्लेज का मतलब है ये, जैसे ग्लेज दरवाजा हम बनाते हैं तो उसमें हम शीशे का यूज करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो आपको इस तरीके की सो शेप नजर आ रही है, ये हमारा क्या है? हमारा पैनल है। क्या है हमारा? एक पैनल, ठीक है ना। तो अब देखिए दरवाजे के हमने किसी शटर के या लीव के हमने डिफरेंट पार्ट्स को भी पढ़ लिया। अब अगर हम बात करें इसके मेजरमेंट की, तो दरवाजा या शटर का जो हम मेजरमेंट करते हैं इसको मेजर करते हैं हम स्क्वायर मीटर में, ठीक है ना। ये डिफरेंट टाइप के जो पैनल आप देख रहे हैं, आपसे पूछेगा पेपर में बताइए दरवाजे के लिए जो पैनल है या विंडो के लिए जो पैनल है उसको किसे मेजर करेंगे, तो आपका आंसर होगा स्क्वायर मीटर में। दरवाजे के लिए जो ग्लास है, जो ग्लेज हम बनवा रहे हैं, ग्लेज डोर बनवा रहे हैं, तो उसके लिए जो ग्लास मेजर करेंगे वो किसमें मेजर करेंगे? स्क्वायर मीटर में, ठीक है। बैटन पैनल अगर आप मेजर करें, बैटन भी इसी तरीके की हमारी होती है, बैटन एंड लेस डोर आपने पढ़ा होगा। खैर, तो हमारे दरवाजे डोर या विंडो के शटर की बात करें या लीव्स की बात करें या पैनल की बात करें, ग्रेज की बात करें, बैटन की बात करें, इनको सबको हम किस में मेजर करते हैं? ये सारी यूनिट्स जो हमारी जो सारा लकड़ी का कार्य है ये किया जाता है हमारा मीटर स्क्वायर मेजर, स्क्वायर मीटर में हम इसको मेजर करते हैं। अब आगे बात करते हैं और क्या क्या मेजर कर सकते हैं स्क्वायर मीटर में लकड़ी में। तो टिम्बरिंग या बोर्डिंग कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें टिम्बरिंग एंड ट्रेंच की यहां पर बात करें, ठीक है ना। तो दोनों डायग्राम से बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं टिम्बरिंग एंड ट्रेंच। तो यहां इस डायग्राम को देखिए जरा गौर से, यहां पर आप देख पा रहे हैं जो ब्लैक कलर की जो लाइन है ये हमारा एक ग्राउंड लेवल है, GL है ये, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल। हमने क्या किया है, इस ग्राउंड लेवल से नीचे हमने एक नींव खोदी है या फिर हमने कोई ट्रेंच खोदी है, खाई खोदी है। तो इस खाई में ट्रेंच में हम टिम्बरिंग तभी करते हैं जब मिट्टी की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो कम रहे, यानी मिट्टी की शेयर स्ट्रेंथ इतनी कम है कि वो अपनी सेल्फ सपोर्ट से मिट्टी खड़ी नहीं रह सकती। जैसे सपोज कीजिए कभी आप चट्टान में अगर आप कोई ट्रेंच खुदवाते हैं, यानी अगर मान लीजिए पथरीली जमीन होती, तो पथरीली जमीन अगर है तो साइड वाली जो मिट्टी है इसमें कभी भी ये मिट्टी हमारी इस वापस इसमें ट्रेंच में नहीं गिरेगी, यानी क्योंकि उसकी शेयर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है,
लेकिन सोच के देखिए यहाँ पर अगर हमारी सैंडी सॉइल है या ऐसी सॉइल है जहां वाटर की उसके अंदर मिक्सिंग बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो अक्सर जब हम सीवर लाइन खोदते हैं या पाइपलाइन हम बनाते हैं तो वहां पर हमें क्या जरूरत पड़ती है, किसी भी ट्रेंच में हमें टिम्बरिंग की जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये ब्लैक कलर का यहाँ पर हम जो पोर्शन नजर आ रहा है टोटल यहाँ पर हमारा ये क्या है, खाई है। अब इस खाई में मिट्टी को लेटरल सपोर्ट देने के लिए यानी पार्श्व डायरेक्शन में हम सपोर्ट देना चाहते हैं, तो पार्श्व दिशा में सपोर्ट देने के लिए, तो उस लेटरल डायरेक्शन सपोर्ट देने के लिए मैंने क्या किया देखें यहाँ पर आपको ब्लू कलर के आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तख्ते लगाए हुए हैं, ब्लू कलर के यहाँ पर हमने क्या किया सीट लगाई हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ब्लू कलर का पूरा पोर्शन है क्या है हमारी वर्टिकल सीटिंग है, ठीक है। अब इस वर्टिकल सीटिंग को एक साथ कवर करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पर जो रेड कलर का एक हमारे यहाँ पर बल्ली टाइप की आपकी दिखाई दे रही है, इसको हम बल्ली नहीं इसको हम कहते हैं वेल, ठीक है ना। तो ये हमारा रेड कलर का जो पोर्शन है क्या हमारा वेल है। अब क्या करेंगे हम इन दोनों, क्योंकि देखिए यहां से जो सॉइल है उसकी टेंडेंसी ये होगी कि इस डायरेक्शन में गिर जाए, यहाँ की सॉइल की टेंडेंसी क्या होगी इस डायरेक्शन में गिर जाए यानी ट्रेंच में गिर जाए। तो दोनों को बीच में गैप मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में पोस्ट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं हम बीच बीच में पोस्ट लगा देते हैं इनके बीच में। तो ये जो पोस्ट है ये हमारा क्या है पोस्ट आप पोस्ट नहीं स्ट्रट, ठीक है ना, क्या लगा देते हैं स्ट्रट। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं स्ट्रट, आप जानते हैं कि टाई और स्ट्रट के बारे में आप जानते हो, स्ट्रट क्या होता है कंप्रेशन मेंबर होता है। तो यहाँ पर हमने इस लकड़ी को क्या बोला हुआ है स्ट्रट यानी लकड़ी का टुकड़ा लगा देंगे बीच में ताकि उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखे। तो ये जो सारा सिस्टम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्रेंच में अगर हम टिम्बरिंग कर रहे हैं तो इस सिस्टम को हम किसमें मेजर करेंगे, सारा स्क्वायर मीटर में मेजर हम करते हैं, यानी ये जो जितना भी आप देख पा रहे हैं वर्टिकल सीटिंग जितनी भी मेजर की जाएगी वो किसमें मेजर की जाएगी स्क्वायर मीटर में, इसको हम पेमेंट बनाएंगे और मेजर करेंगे, राइट। अब इसी तरह से हमारा टिम्बरिंग एंड बोल्डिंग अगर हम कहीं कर रहे हैं तो भी हम स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। एक ही चीज है वुड वर्क इन पार्टीशन, यानी अगर आप जैसे किसी दरवाजे किसी रूम में पार्टीशन करना चाहते हो और आपने लकड़ी को यूज किया हुआ है तो उसको हम किसे मेजर करेंगे, तो पार्टीशन के लिए भी हम क्या करते हैं स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं लकड़ी के कार्य को। नेक्स्ट हमारा सॉइंग ऑफ टिम्बर, यानी अगर हम लकड़ी की कटाई करते हैं तो लकड़ी की अगर हम कटाई करनी है तो जितने भी तख्ते होंगे उनको स्क्वायर मीटर में हम मेजरमेंट करते हैं और उसी के अनुसार उसका पेमेंट हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा और हम एक दो टॉपिक में और बताता हूं कि इसमें अगर हम प्लाईवुड का काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं प्लाईवुड, यहीं पर देता हूं मैं प्लाईवुड को भी मेजर जो हम करते हैं वो किसे मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में हम मेजर करते हैं। अब हमने यहां पर क्या क्या पढ़ लिया कि लकड़ी के कार्य को मीटर कौन से ऐसे कार्य हैं लकड़ी के जो मीटर क्यूब में मेजर किए जाएंगे और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमारे स्क्वायर मीटर मेजर किए जाएंगे। अब बात करते हैं कौन से लकड़ी के कार्य को हम रनिंग मीटर में यानी मीटर में सिर्फ हम मेजर करते हैं, तो सिंपल सा है कि बल्लीज जो हमारी होती हैं जो फर्मा वगैरह में यूज कर दी जाती हैं तो उसमें हम जो क्या करते हैं उनको रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। मतलब यह है कि अगर डाया स्पेसिफाइड हो बल्ली का, है ना, अगर डाया स्पेसिफाइड है इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे, अगर डाया स्पेसिफाइड है तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे उस बल्ली को हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। ये तो बात हुई हमारी लकड़ी के कार्य की। अब बात आती है लकड़ी से कार्य में ही यानी इसी डोर विंडो में और भी काफी पॉइंट्स हैं जो हमसे पूछ लेता है यूनिट मेजरमेंट में। जैसे आपने दरवाजे में अगर हम दरवाजा लगाना चाहते हैं तो मैंने अभी बताया कि हैंगिंग स्टाइल, इस लकड़ी को हमने इस पूरी लकड़ी को बोला हैंगिंग स्टाइल जिसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो ये पूरे पल्ले को स्क्वायर मीटर में तो मेजर करेंगे लेकिन हैंगिंग स्टाइल को हम जोड़ने के लिए किसे पोस्ट से जोड़ने के लिए हिंज यूज करते हैं। तो अब देखिए इनसे जुड़े हुए एक्स्ट्रा कार्य की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर मैं नोट करके लिखवा रहा हूं, ठीक है। नोट में अगर आपसे पूछा जाए कि हिंज हम किसमें मेजर करेंगे या अगर हमसे पूछा जाए बोल्ट हम किसमें मेजर करेंगे, ठीक है, तो इनको हम मेजर करते हैं नंबर्स में, किसमें मेजर करते हैं नंबर्स में, ठीक है ना। आप सिर्फ दरवाजे को जोड़ने के लिए हिंज यूज कर रहे हैं या बोल्ट यूज कर रहे हैं या दरवाजे को खींचने के लिए बाहर जो हैंडल्स होते हैं क्या होते हैं हैंडल्स, तो हैंडल जो हम मेजर करते हैं उसको नंबर्स में हम मेजर करते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है होल्ड फास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट क्या होते हैं कि जो पोस्ट है देखिए ये शटर तो लग जाएगा हमारा इस चौखट में लेकिन ये चौखट कहां पर लगेगी दीवार में। अब दीवार में लगती है तो क्या करते हैं ये जो हेड है इस हेड का थोड़ा सा पार्ट हम दीवार में दबा देते हैं, इसी पार्ट को कहा जाता है हॉर्न, काफी इंपॉर्टेंट है हॉर्न। एक हॉर्न हमारा इधर भी निकला हुआ है, दरवाजे को हम क्या करते हैं दीवार में इन दोनों पार्ट से हम क्या कर देते हैं दबा देते हैं, ठीक है ना, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। दूसरा क्या करते हैं ये तो हमारी हो गई हेड की स्टेबिलिटी,
अब पोस्ट की स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, तो दीवार चिनाई करते टाइम हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से होल्ड फास्ट जो हमारे होते हैं लकड़ी के होते हैं, इनको हम क्या करते हैं इसमें कील द्वारा ठोक कर और इसको दीवार में हम दबा देते हैं इस पोर्शन को, ये वाला होल्ड फास्ट। तो पूछ सकता है कि होल्ड फास्ट को हम किसमें मेजर करते हैं, तो क्विंटल में मेजर करते हैं होल्ड फास्ट, किसमें, क्विंटल में। लेकिन कभी कभार अगर ऑप्शन में क्विंटल ना दिखाई दे तो इसको हम नंबर्स में भी मेजर कर देते हैं, लेकिन प्रिफरेंस आप जो दोगे हमेशा क्विंटल को दोगे कि होल्ड फास्ट जो आते हैं क्विंटल्स में मेजर करते हैं, यानी हम वेट में मेजर करके लाते हैं, नंबर्स में नहीं होते हैं। जबकि हैंडल बोल्ट या हिंच की बात करें तो ये नंबर्स में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, क्या ये पूरी हमने यहाँ पर बात कर ली, किसी भी वुड वर्क्स में लकड़ी के कार्य अलग अलग प्रकार के आपने देखे और अलग अलग प्रकार के लकड़ी के कार्य को हमने किस यूनिट में मेजर किया, काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारा, इसमें से कई क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्टोन मेजरमेंट के बारे में, यानी पत्थरों की चिनाई के बारे में। पत्थरों की चिनाई के बारे में अगर हम बात करें तो स्टोन मेजरमेंट आप देख पा रहे हैं रैंडम रबल मेजरमेंट, कोर्स रबल मेजरमेंट या एसआर मेजरमेंट के बारे में। तो देखिए जो रैंडम रबल मेजरमेंट या एसआर मेजरमेंट है इसके बारे में अगर हम देखें तो रैंडम, सबसे पहले देखिए रबल मेजरमेंट कौन सी होती है, अगर हम बात करें यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं रबल मेजरमेंट, ठीक है ना, कौन सी रबल मेजरमेंट को अगर हम देखें तो जब हम कभी भी अनड्रेस्ड स्टोन से, कैसे अनड्रेस्ड स्टोन, अनड्रेस्ड स्टोन का मतलब होता है ऐसे पत्थर जिनकी हमारी क्या हुई है अनड्रेस्ड स्टोन, अनड्रेस्ड स्टोन का मतलब ये है कि ऐसे पत्थर जिनकी हमने ड्रेसिंग नहीं की है, जिनकी हमने नक्काशी नहीं की है या फिर हमने उनकी रेगुलर शेप नहीं बनाई है काट छांट करके, अगर हम बिना पत्थरों की ड्रेसिंग के ही डायरेक्ट हम चिनाई कर देंगे तो उसे क्या कहते हैं रबल मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये मेजरमेंट हमारे दो टाइप की यहां पर डिवाइड कर दी गई, रैंडम रबल मेजरमेंट या कोर्स रबल मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है एसलर मेजरमेंट, तो एसलर मेजरमेंट का हिंदी में कहते हैं हम इसको संगीन चिनाई, एसलर मेजरमेंट, ठीक है ना, एसलर मेजरमेंट को हम कहते हैं हिंदी में बरास्म चिनाई या इसको हम कहते हैं संगीन चिनाई, क्या कहते हैं संगीन चिनाई, ठीक है, संगीन चिनाई इसको हम कहेंगे। और ये किसके द्वारा की जाती है, ड्रेस्ड स्टोन के द्वारा, फुल्ली ड्रेस्ड स्टोन के द्वारा जो हम चिनाई करते हैं उसको हम कहते हैं एसलर मेजरमेंट, यानी ये काफी रेगुलर होती है, देखने में उबड़ खाबड़ सतह नहीं होती, इसकी रेगुलर शेप होती है जैसे हमारी ब्रिक वर्क की होती है। तो रैंडम रबल मेजरमेंट और एसलर मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो देखें, अब बात मैंने बताया कि रबल मेजरमेंट हमारी दो कैटेगरी में बांट दी गई है, रैंडम रबल और कोर्स रबल। रैंडम रबल मेजरमेंट हम क्या करते हैं कि जो ड्रेसिंग स्टोन की वो बहुत ही कम करते हैं, अगर नहीं करते हैं डायरेक्ट ऐसे ही चिनाई कर देते हैं तो रैंडम रबल, लेकिन थोड़ी सी अगर की जाए, ड्रेसिंग करनी नहीं है पर थोड़ी बहुत काट छाट करनी है पत्थरों की, उसे कहें कोर्स रबल मेजरमेंट। आप ये कह सकते हैं कि फिनिशिंग के मामले में रैंडम रबल मेजरमेंट से कोर्स रबल मेजरमेंट थोड़ी सी अच्छी होती है, लेकिन एसआर मेजरमेंट हमारी क्या है पूरी तरह से ड्रेस स्टोन की होती है, अच्छी हमारी बहुत अच्छी देखने में लगती है और ये हमारी जो है एक जहां सजावट के कार्य होते हैं वहां पर हमारी की जाती है, ठीक है। तो स्टोन मेजरमेंट जितनी भी है, रैंडम रबल मेजरमेंट और क्या कहते हैं कोर्स रबल मेजरमेंट, एसआर रबल मेजरमेंट, इन सब को हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में, किसमें मेजर करेंगे मीटर क्यूब में। आगे एक लेक्चर मैं बनाऊंगा जिसमें टास्क और आउटर्न इनके बहुत ज्यादा पूछता है, तो टास्क एंड आउटर्न को एक लेक्चर बना चुका हूं लेकिन दूसरा और बनाऊंगा जिसमें आजकल ज्यादा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्वेश्चंस काफी मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोन छज्जा या स्टोन सनसेट की, यानी खिड़की के बाहर आप देखते हैं कि हम क्या करते हैं आगे प्रोजेक्शन, कैंटिलीवर प्रोजेक्शन दे देते हैं, तो कैंटिलीवर प्रोजेक्शन अगर आगे हम बना रहे हैं तो उसे क्या कह रहे हैं हम सनसेट या छज्जा कह रहे हैं। तो अगर उसकी थिकनेस स्पेसिफाइड है तो मैंने बताया था आपको जब भी थिकनेस स्पेसिफाइड हो जाएगी उस वर्क को हम किसे मेजर करेंगे स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। स्टोन वर्क अगर हम छत में कर रहे हैं तब भी हम किसे मेजर करेंगे उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। दूसरा थिकनेस स्पेसिफाइड होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे मैंने ये थिकनेस फाइड इसके लिए भी है, थिकनेस फाइड इसके लिए भी थिकनेस स्पेसिफाइड, यानी कि जो मोटाई है कितनी मोटाई में हम स्टोन वर्क कर रहे हैं ये पहले से स्पेसिफाइड होना चाहिए तभी इसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। नेक्स्ट और जनरली होता है जब भी हम रूफ में करते हैं, छज्जा में करते हैं, सनसेट में करते हैं, इनकी थिकनेस पहले से बता दी जाती है जैसे कि प्लास्टर और डीपीसी में बता दी जाती है। अब बात करें स्टोन वर्क लाइनिंग, यानी अगर हम लाइनिंग वर्क कर रहे हैं कहीं पर भी अस्तरण कर रहे हैं किसी भी केनाल में कर रहे हैं या तो उस कंडीशन में इसको हम स्क्वायर मीटर में ही मेजर करेंगे लाइनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्टोन वर्क इन वॉल फेसिंग, देखिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये ना भी दिया जाए कि थिकनेस स्पेसिफाइड नहीं है तब भी जनरली इसको आप आंसर जो करेंगे तो प्रीफरेंस के आधार पर आंसर हम यही सोच के कर लेते हैं कि लाइनिंग की हमेशा थिकनेस स्पेसिफाइड होती है, ठीक है। स्टोन वर्क इन वॉल फेसिंग एंड दीवार में अगर किसी हमें फेसिंग करनी है तो उस कंडीशन में भी उसको क्या करेंगे स्क्वायर मीटर में मेजर हम करते हैं। तो ये हमने आज इस लेक्चर में बात करी
डिफरेंट टाइप के वुड वर्क्स या लकड़ी के कार्य की और डिफरेंट टाइप के स्टोन वर्क्स की बात करें, तो इन जितने भी हमारे ये पॉइंट्स मैंने बताए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि यूनिट मेजरमेंट को लेकर कौन सा ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर। लेक्चर कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम जो चैनल है अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, और भी आगे मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स की वीडियो बनाऊंगा, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल का सपोर्ट मिलेगा इससे। और दूसरा, आपने टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं, और अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।